10-year-old Devika was with her father and brother, about to take a train to Pune. A bullet hit her leg. अंदर दोनों पहले फायरिंग हुआ तो मेरा भाई बोला कि मैं बाथरूम को जाके आता हूँ. बाथरूम को जाने के तो वहाँ से वहाँ ही भाग गया. वो 13 नंबर के अंदर से प्लेटफॉर्म से अंदर भाग गया. ये 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने से एक बुटका आदमी गन मशीन लेके फायरिंग करते हुए आ रहा था. तो मैं यहाँ से उठ के टॉयलेट की ओर गया तो मैंने देखा, सुना, आवाज सुने, बाहर आके देखा तो कोई लाशों पड़ी थी, खून की आवाज, सब गोली फायरिंग हुआ इधर. तो मैं मेरी बहन और पापा को ढूंढने का कोशिश किया. मेरे पापा और बहन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया. सब गोली फायरिंग हो रहा था, सब मर लेते, घायल हो लेते. किसका पैर में लग रहा था, किसका हाथ टूट रहा था, बहुत मर लेते. मेरा पैर में गोली लगा, मैं गिर गई थी. खून देख के तभी थोड़ा मेरे दिल में डर हुआ था, क्या हादसा हुआ करके. मेरे को गोली लगने के बाद मैं गिर गई. बेहोश होने के बाद मेरे को उस टाइम मालूम नहीं था. उधर मैं बोला बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? पुलिस वाला भी इसमें मर गए थे. कई पुलिस वालों की हत्या हुई थी, पुलिस वालों की भी गोली लगी थी. मेरे को 1.5 महीना हॉस्पिटल में लगा था. मेरा हड्डी टूटा था, पैर में गोली निकली थी, एक निकाला था गोली. फिर उधर मेरा सलिया लगाया था, हड्डी टूटा था. अभी तक आज पैर में लॉट डाला हुआ है, 2 टुकड़ा हुआ है मेरा हड्डी का. पूरा अभी तक निशान है, मैं थोड़ी टेढ़ी चलती. पता था थोड़ा कि गन फायरिंग करते हुए आतंकवादी होता है, ऐसा मुँह पे भी पहनते हुए आतंकवादी होता है, बीन भी बू करते हैं, ऐसा मेरे को मालूम था आतंकवादी. मगर ऐसे आतंकवादी को कभी नहीं देखा था मैंने. असली में नहीं समझी थी, मैं तो समझी थी पिक्चर का नाटक होता है. कसाब को आजाद में पहचानी मैंने उससे देखी थी. उस टाइम वो बुटका था, मेरा पैर में गोली मारा था. मेरा मन भी कह रहा था यही कसाब है. मैं बोलती हूँ मेरे को पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनने चाहती हूँ, पुलिस वाली. देश का रक्षा करना है मुझको, आतंकवादी को खत्म करना है, ऐसे आतंकवादी को.